जेंटलमैन कोर्ट को तो आर्बिट्रेशन ना ना दे बड़ी हम मादरत करने आए हैं, आपसे माफी मांगने आए हैं, हाथ जोड़ने आए हैं कि हाई कोर्ट ने आपको जस्टिस नहीं बनाया और यहाँ पे एडिशनल जज बना के भेज दिया। क्या हो गया सर? मेरी बात समझ आई आपको? हम आपसे माफी मांगते हैं कि हाई कोर्ट ने बड़ी उल्लू का पट्टा है, हाई कोर्ट जिसने आपको यहाँ भेज दिया। लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज कोई बात नहीं। तीन दिन में, चार दिन में मुझे 20 शिकायतें आपकी आ गई। हर वकील को साथ आप बदतमीजी करते हैं, हर वकील के साथ बदतमीजी करते हैं। मुझे तो नहीं ऐसा लगा। नहीं 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 नहीं, अपना रवैया ठीक करें। ये जो है ना मेरे छोटे भाई बच्चे, ये मेरे बेटों की तरह, अपना रवैया ठीक फरमा लें या फिर हाईकोर्ट जाके जस्टिस बन जाए। आप मुझे फरमाएं कि कंप्लेन क्या है मेरे खिलाफ? ये मेरा भाई, कोई ना बोले, फ्री अरेस्ट में मुलजिम भी हाजिर था, इसका मुंशी भी हाजिर था, ये किसी और अदालत में था या जो भी, उसने आके कहा कि जी वकील साहब आ रहे हैं। जनाब ने फरमाया ना मैं इंतजार करता हूँ ना क्या क्या कहा भट्टी साहब बताए, मास्क उतार के बताए। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। ये कहा है मैंने? बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। सर मैं यहाँ पे हमें सबसे पहले मेरे साहब से कि बहुत मुझे बहुत सारी देर लगी हुई है, वकील साहब दीवार है, उन्होंने खानापुर में उसको डेट सुना, डेटर साहब ने कहा जी डेट कोई नहीं, उसमें बेस्ट करेंगे फैसला। वकील साहब मैं अच्छा बुलाई हुई है, मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने कहा जैसे साहब ने पूछा जी मुझे, मैंने कहा सर वकील साहब बीमार है, उन्होंने खानापुर की डेट सुना दी। जैसे कहते हैं कि आप मेरे से बात क्यों कर रहे हैं, आप डेटर से बात कर रहे हैं। आया सुबह से यहाँ पे मुंशियों को अरेस्ट कर रहा हूँ, आज के बाद कोई मुंशी मेरे से बात नहीं करेगा। ये गाइस जो है ये वकीलों के लिए, मुंशी के लिए, इसमें कौन सी गुस्ताखी की है? पहली बात यह कि मैं वकील साहब का पाबंद नहीं हूँ, उन्होंने आना है आगे बहस करते, नहीं आना है बेशक नहीं आना। अच्छा इस पूरी गुफ्तगू में कौन नहीं? अच्छा मैं आराम से मेरी बात सुने, आप मुझे लाउडली बोलो। मैं लाउडली और बैठा, मैं इससे लाउडली से और भी कुछ करूँ फिर इसका मतलब। 20 अदालतें हैं यहाँ पर, 8 यहाँ पे एडिशनल चार्जेज आ जाए, हम अपने टोटल कर लें 8, भाई हर अदालत में हम पहली पुकार में शामिल हो। सदर साहब आप क्या कर रहे हैं? मैं यही कर रहा हूँ, अगर हमने किसी और अदालत में पेश होना है तो हम जिस अदालत में पहले बुलाई होगी जिस अदालत में भी मैं इंतजार में रखता हूँ जी ना, तो फिर ये क्या बात है कि मुंशी ना पेश हो? क्यों ना पेश हो मुंशी? मुंशी का रोस्टर पे आना नहीं है। क्यों नहीं? और मुंशी में बाहर की बात है, अकल की बात है, अकल की बात है, अकल की बात है। हाँ मुंशी ना आए तो फिर कौन आए? मुंशी नहीं आएगा तो वकील भी नहीं होगा, मुंशी भी नहीं होगा, क्लाइंट बताएगा। क्लाइंट कौन से आएगा? वकील आके बताएगा ना, लीडर को आके बताएगा, ये नहीं करेगा। और हाई कोर्ट में तो वो जाके मुंशी कह देते हैं जी फला अदालत में इंतजार में हो जाता आपकी, फिर मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत है जहाँ मैं मुंशी नहीं पेश हो सकता। आपका ग्रीवियस क्या है? मुझे ये है कि अगर वकील किसी और अदालत में हो और मुंशी साहब तशरीफ लाए तो वो हमें हमारी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। अच्छा उसको ये कहना कि मैं तेरे से बात नहीं करता, कौन सी तो आपसे कौन बात करेगी पहले मुझे बता दो। तो कौन सी तो नहीं हो गई अभी, ये भी बता दी कि मैंने पहले फैसला कर देना, क्यों कर देना पहले रवैया? आप हाईकोर्ट में शरीफ ले जाए, वहां पे जाके चार्ज संभाले, जस्टिस बन जाए। यहाँ भाई आपके शायान शान ही अदालत नहीं है ना, हम आपके शायान निशान। हमारे मुंशी अगर आपको बर्दाश्त नहीं होते हम ये अदालत ऐसे मेहरबानी फरमाए, ये रवैया यहाँ नहीं चलेगा। और दिस इज दिस लास्ट टाइम ये हम ये बेहद कर रहे हैं, दिस इज द वे योर कंप्लेन। नहीं इस दी वे, मैंने चार दिन में चार आपकी शिकायतें, कल आपने टॉन्ट किया मेरे वकील को, वो मेरे पास आया सरदार दादा तजम्मुल के जी, वहां पे पूरी अदालत में मेरा मेरे पे हंसी लगवाई। कौन से पहले लगवाई गई? उससे पहले कौन से? मैं आपको मेरी बात सुने बस, आगे आ जाए, ये आखिरी वार्निंग है, या तो यहाँ से तशरीफ ले जाए ट्रांसफर करवा लें, या यहाँ पर एडिशनल सेशन जज बनकर बैठे बस, इसका और कोई। आप एक बात बताएं, आप दयानतदारी करते हैं, हमारे पे एहसान करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। तो फिर आपका जो रवैया है ना, आपकी जो बातचीत है,
ये हमारे साथ सही होनी चाहिए। इज्जत की जाती है तो इज्जत मिलती है, ये रेसिप्रोकल। हम इज्जत के लिए वकालत का पेशा हमने अडॉप्ट किया है, एडवोकेट इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट एनी अदर पर्सन। ये वो कुर्सी है जहां यहां से लोग उस पे जाते हैं और वहां से इधर आते हैं। इतना रेसिप्रोकल अदब है जो कोर्ट बार और बेंच का है। जो जजेस तो अखलाक सिखाते हैं, और अगर जजेस में टेम्पो ना हो हमाद करने का, पेशेंस हेरने का, तो सब उन्हें सोचना चाहिए। हम तो बहुत हौसले से, जो प्रोफेशनल एडवोकेट है वो तो हर वक्त कदारों के उनको ओबे करते हैं, और हमारे प्रेसिडेंट ऐसे नहीं है कि जो जजेस से आज जो रवैया वो थोड़ी सी बात सख्ती से कर रहे हैं, ये इनकी शख्सियत में नहीं है। मैं खुशामद नहीं कर रहा हूँ, हकीकत कर रहा हूँ। ये बात बिल्कुल दुरुस्त, खुशामद नहीं कर रहा हूँ, हकीकत कर रहा हूँ। ऐसे भी हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं जो अपने अपने मेरिट के लिए जो बातें करते थे करते हैं, इनमें वो बात नहीं है। प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं, अल्लाह ने बहुत दिया हुआ, बहुत कदर है, बहुत इज्जत है, बहुत प्रॉपर्टी है। यहाँ करती है तो हमारी नुमाइंदगी के लिए फायदा है। जो है जजेस की इज्जत हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, हमारा प्रोफेशन ही एहतराम वाला है, ये काला कोट ही एहतराम वाला है। रेसिप्रोकल है योर ऑनर कि आप अपने इन वकीलों को, मुंशी हमारे ऑफिस बेहतर होते हैं, हम हर केस में तो नहीं आ सकते जनाबे वाले, उनको भेजिए पता करो नंबर कितना है, किस वक्त जज साहब ने बुलाना है, एविडेंस आई हो गया नहीं है, जी हाल ना कि आप सब मेरे पास गुस्से में तशरीफ लाए हैं, बात सुनिए, अब मेरी भी सुनिए ना। आप वन साइडेड स्टोरी सुन के तो आप मेरे पे कोई कमेंट्स नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे किस मेरी बात नहीं, इसको माइंड अप करके बात सुन ले, मेहरबानी फरमा के, या तो हम आपके लायक नहीं है, ये कुर्सी आपके लायक नहीं, आपके लायक है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वहां जाके जज बन जाए, हमें अल्लाह आपको सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कोई अदालत दबा ले, कोई इतराज नहीं, अल्लाह करे चले जाए। लेकिन जब यहाँ पे आप हैं, आपकी ईमानदारी हमारे पे कोई आसान नहीं है, आप ईमानदार आओ। मैंने कब क्लेम कर दिया ईमानदारी का? अब आप अपना रवैया या तो तब्दील फरमा ले भाई, आप मुझे सदर साहब रवैये में बताए ना कि रवैया, और क्या मुंशी को कहते हैं मेरे से बात ही ना करे, मुंशियों के साथ ये रवैया होगा ना तो हम सदर के पास जाएंगे, हमारा सबसे पहले फर्ज यही है कि हम सदर के पास जाएंगे। आज सदर पहली बार आपके पास में पेश हुए, अब हो जाएगा। अच्छा, अब हो जाएगा, तो आप ये पे बात किए जा रहे हैं, बस ठीक है सर, हमने अपनी बात कर ली है। आइंदा मेरे किसी वकील के साथ कोई इंसल्टिंग बिहेवियर हुआ या कोई टॉन्टिंग जुमला हुआ या अगर कोई मुंशी आ गई, ये यू आर एक्सप्रेसली थ्रेटनिंग, नॉट आई एम नॉट थ्रेटनिंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज कम इन टू मी, नहीं रिक्वेस्ट करने का, और जो रिक्वेस्ट यू शुड हैव, तो पिछले 9 महीनों से जब से मैं सदर, मेरी बात सुने बस, जब मैं सदर बना तो कोई तरीका नहीं, जब से है सदर बना मैंने आज तक किसी थर्ड क्लास सिविल जज को ओए करके नहीं कहा, तो मुझे तो क्योंकि आपका रवैया मेरे, मैं सरबराह सितारे का, एंड आई एम सपोज टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, यस, उनकी ऑनर को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है, वो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आप मेरी बात सुन ले, नहीं बस नहीं बस, आज मेरे किसी वकील के साथ मिली हुई तो मैं ये अदालत बंद कर दूंगा जनाब। इस वक्त वकील साहब प्रॉब्लम है ना, बने मेरे लिए भी और सेशन जज साहब के लिए भी, बस मेरी भी सुने ना, नहीं होता मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा करके दालू जरूरत, बस बंद करो अदालत को, आज नहीं रात में करके कोशिश नहीं करती, चलो बहस।